हेलो एवरीवन, दिस साइड कीर्ति वैभव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी की बात बताने जा रही हूँ। दरअसल मैं अभी अभी योद्धा मूवी का प्रीमियर देख के आई हूँ और सबसे पहले मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी हुई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। जैसा ट्रेलर है बिल्कुल धमाकेदार, वैसी मूवी भी है बिल्कुल धमाकेदार। इस मूवी में सबसे अच्छा जो पार्ट है वो ये है कि ये रियल लाइफ बेस्ड है और इसमें सबसे ज़्यादा सस्पेंस है। आप एक सीन देख के जो इमेजिन करो कि अब नेक्स्ट ये होने वाला है, ये होने वाला है, शायद इसमें गलती है, शायद इसमें गलती है, तब तक पता चलेगा कि आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, स्टोरी कुछ और ही है। मतलब सस्पेंस से भरपूर, देशभक्ति से भरपूर, रियल स्टोरी बेस्ड है ये मूवी, बहुत ही अच्छी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिया पठानी, राशि खन्ना ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे देशभक्ति की जो भी मूवी लेके आते हैं लाइक शेरशाह, उसमें बहुत ही ज़्यादा जान होती है, लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आई होप कि ये मूवी भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और पर्सनली मेरी बात करें कि मेरी रिव्यू क्या है इस मूवी को लेके, तो बिल्कुल 5 out of 5, बिकॉज रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है, हम सबको देखना चाहिए, बच्चों को भी दिखाना चाहिए। मे बी हम हिस्ट्री ना पढ़ें, हम अपने देश को उतने अच्छे से पढ़ के ना समझ सके जितने अच्छे से हम मूवी में समझ सकते हैं, एक रियल स्टोरी को देख के समझ सकते हैं। एक सोल्जर की जो भूमिका होती है देश को बचाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए, वो हम जान सकते हैं। हालांकि सबको पता होता है कि सोल्जर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर भी मूवी देखने के बाद जो जोश अंदर से आएगा ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है ये। बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया कि 5 out of 5 रेटिंग दूंगी मैं आपको। तो कल ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, आप सभी जाएँ और इस मूवी को देखें। और अगर मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी जो रिव्यू है वो आपको कैसी लगी, मेरे रिव्यू के अनुसार ये मूवी थी या नहीं। सिद्धार्थ मल्होत्रा हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट इस बार राशि और दिशा मुझे इतनी खास लगे, अगर उनकी तरह की हारा होती तो बहुत अच्छा लगता। बढ़िया सिद्धार्थ के मतलब शेरशाह के बाद से ये कहीं से एक्सपेक्टेशंस कम नहीं करते बनाते। थ्री एंड हाफ इंटरवल से पहले स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग लग रही थी कि यार ये सेम स्टोरी होगी, योद्धा की स्टोरी होगी सेम, लेकिन इंटरवल के बाद गूज़बम्प्स आ गए। लास्ट में जब सिद्धार्थ आ रहा ना लात मार रहा है, मजा आ गया ना, बहुत अच्छा। मैं तो दिशा का मतलब मैं नेगेटिव किरदार के लिए तैयार हो गया। और सच बताऊँ मैं मार धाड़ पे पहले सोचता कि चलो ठीक है श्रद्धा सही हो जाती है लड़ाई वड़ाई में, कैटरीना सूट करती है, लेकिन सबको फेल कर दिया भाई। दिशा पठानी को सब मतलब 10 में से 10 दूंगा, 100 में से 100 दूंगा, फाइटिंग सीन लगी एक नंबर, 5 पूरे लवा लीजिए। बहुत बढ़िया है, आपको मजा आने वाले।